जय हिंदू राष्ट्र। समाज जितना विकसित होता जाता है उतना वो समूह की जगह व्यक्तिवादी सोच पर जोर देने लगता है। ऐसा शायद वामपंथ के प्रभाव में है या शायद समाज इसी तरह से सोचता है। बहरहाल जो हमारे समूह थे, कुटुंब, खानदान बिखरने लगे हैं। अब सहन शक्ति शायद लोगों में कम हो गई है, सहनशीलता कम हो गई है। उसका परिणाम है कि लोग दूसरे को स्पेस कम देते हैं और कहीं कोई चुभने वाली बात आ जाए तो पीछे हट जाते हैं या बुरा मान लेते हैं। पहले इस तरह से नहीं था। जॉन एलिया का एक शेर है ना, अब मुझे कोई टोकता ही नहीं, अब मुझे कोई टोकता ही नहीं। ये भी होता है खानदान में। क्या खानदान में पहले ये था कि बड़े टोका करते थे, भाई गलत हो रहा है, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अब व्यक्तिवादी जीवन बहुत प्रबल हो गया है, बल्कि अब इस स्थिति में आ गया है समाज के परिवार भी बिखरने लगा है। हिंदुओं में डिवोर्स का रेट 14% आ गया है, यानी अब जो शादियां हो रही हैं उसमें 14% डिवोर्स हो रहे हैं। लोग एक दूसरे की सुनने को राजी नहीं है। और इसी का अगला चरण यह है कि व्यक्ति को अपनी यौनिकता तय करने का अधिकार है। वो किस क्या पसंद करता है ये उसका निजी मामला है, समाज का इससे कुछ लेना देना नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है। ये सदैव से है समाज में, केवल मनुष्यों में ही नहीं है, पशुओं में भी हजारों स्पीसीज पाई गई हैं जिनमें ये बिहेवियर हैं। बड़े पैमाने पर ये सब पाया गया है, ऐसा है। और जो लोग कैनल फार्मिंग करते हैं, कुत्ते पालते हैं, जो और घोड़े पालते हैं और जानवर पालते हैं, उनमें ये व्यवहार देखा गया है, कोई नई चीज़ नहीं है। मगर मनुष्य की यौनिकता में संतानोत्पत्ति जोड़ दी गई है या जुड़ी हुई है, उसके कारण से ये सारी चीज़ें हैं। मूलतः विवाह का जो मामला है वो यही है। जावाली ऋषि ने ये सारा सिस्टम बनाया था। उनके से जुड़ा प्रसंग है कि बालक छोटा सा था, उसने देखा कि उसकी माँ को, उसके जिसे वो पिता कहता था, उसका कोई मित्र ले जाने लगा। तो वो दौड़ा दौड़ा और बलात् ले जा रहा था, तो दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास आ गया और उससे शिकायत की। तो उसने कहा, ये सहज है, सामान्य बात है, उसका अधिकार है, मेरा मित्र है। बाद में उसने ये सारी व्यवस्थाएं बनाई, 8 प्रकार के जो विवाह बने, ब्रह्म, राक्षस, पिशाच, दैत्य इत्यादि, यहां तक कि रेप को भी विवाह का एक प्रकार माना है। ये सृष्टि का उषा काल था कि नियम बन रहे थे। उस समय ये सारी धींगा मुस्ती थी और धीरे धीरे ये सारी चीजें लीगलाइज की गई। इसमें यौनिकता इस प्रकार की भी है कि कुछ लोग पुरुष को पुरुष के साथ मैथुन पसंद है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक शायद इसके कारण ही हुआ है, एक रिकमेंड किया गया है। ये जो सिस्टम बनाया ना जजों ने, आपस में ही वो उसका भतीजे को भेज दे, वो उसके मामा को भेज दे, उसके चाचा को भेज दे, उसके बेटे को भेज दे, सब आपस में कर रखा है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, जज ही तय करेंगे किसको जज बनना है। वो इसके खिलाफ भारत में केंद्र सरकार है इस समय और दृढ़ता के साथ उसका विरोध कर रही है। तो उसमें एक जज उन्होंने ऐसा रिकमेंड किया है जो घोषित रूप से गे है। वो कहता है कि मेरे अंदर एक स्त्री है जो पुरुष को पसंद करती है और उसके साथ एक उसका पार्टनर भी है। अब वो मुझे नहीं मालूम उसका पति है, उसकी बीवी है, दोनों एक दूसरे के पति पत्नी है, और वो विदेशी है। इसकी फाइल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रोकी हुई है। तो कुल मिलाकर 2 प्रकार की बलात्, ये सारी यौनिकता जो है इस प्रकार की, कि एक दूसरे की स्वीकृति से, सहमति से और बालिग होने के साथ, ये नहीं कि 9 वर्ष की बच्ची के साथ, जैसा हैदराबादी शादियां होती हैं। ये इस्लामी परंपरा कि मोहम्मद ने चूंकि 6 वर्ष की आयशा से शादी की थी और 3 वर्ष बाद उसके साथ यौन संबंध बनाए थे, 9 वर्ष की आयशा के साथ संबंध बनाए थे जब वो खुद 55 का था। ये मोहम्मद की सुन्नत को इस्लाम फॉलो करता है, मोहम्मदवादी तो इस्लाम है, मगर सभ्य समाज में ये सब नहीं होता। लड़की की आयु तय की गई कि इतना होना चाहिए, तो भारत में 18 वर्ष है। 18 वर्ष से बड़ी लड़की
और उसी हिसाब से पुरुष वो आपस में एक दूसरे की सहमति से यौन संबंध बनाते हैं, तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, 376 में नहीं आएगा, इसकी धारा 376 है। और इसकी परिभाषा ये है, रेप की परिभाषा, बलात्कार की परिभाषा, कि स्त्री के शरीर में, बालिग स्त्री के शरीर में कोई पुरुष किसी हिस्से में, एनल या वेजाइनल, कोई चीज पेनिट्रेट करता है तो उसे रेप माना जाएगा। और बच्ची अगर 18 से कम की लड़की है तो उसकी सहमति भी होगी तब भी ये रेप माना जाएगा। इसी तरह से पुरुष के साथ था कि ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दो बालिग पुरुषों के बीच में यौन संबंध अगर बनते हैं तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, ये जीवन के मूल अधिकार का उल्लंघन माना गया, कोई व्यक्ति क्या करता है ये उसका। ये राष्ट्रवाद समाज की व्यवस्था को भंग करने की वो किस्म की कोशिश है, वामपंथ की कोशिश है, समाज बिखर जाए। एक बड़ा टूल आजकल मैं किसी दिन बात करने की सोच रहा हूं उस पर, ये जो नेटफ्लिक्स है इस पर फिल्में आ रही हैं, इस पर जो छोटी छोटी या सीरीज आ रही हैं, आप इनकी भाषा अगर आप अंग्रेजी की जगह उसका अनुवाद लगाते हैं तो बकचो, भैंचो, माचो, इस ये शब्द इतने प्रयोग हो रहे हैं कि समाज को ले कहां जा रहे हैं। वामपंथ समाज को बिखेरने में लगा हुआ है, व्यक्तिवादी दर्शन को बड़े पैमाने पर फैला रहा है। रात दिन लोग इस तरह की पिक्चर देखेंगे तो खोपड़ी भी वैसी हो जाएगी। वो पुरानी कहावत है ना, जैसा खाओगे मन अन्न वैसा बनेगा मन, ऐसे ही जो चीजें देखोगे वैसी सोचने लगोगे, जो पढ़ोगे हमारी निर्मिति हमारे अध्ययन से हमारे दर्शन से जो कुछ हम देखते हैं पढ़ते हैं इसी सबसे वो होती है, तो वो समाज को बिखेरने में लगे हुए। तो पुरुष यौनिकता को ये उन्होंने परिभाषित किया और बालिक पुरुषों के साथ जबरन संबंध बनाने को 370 में परिभाषित किया गया। पशुओं के साथ यौन संबंध बनाने को भी 377 में परिभाषित किया गया। ये उसकी धारा के अंतर्गत आना था कि कोई व्यक्ति कि किसी पुरुष के साथ जबरन बालिक के साथ संबंध बनाएगा तो उसको छोड़ दिया है, किंतु नाबालिग के साथ संबंध बनाएगा या जबरदस्ती किसी के साथ बालिक के साथ भी जबरदस्ती संबंध बनाएगा या पशु के साथ संबंध बनाएगा तो वो धारा 377 में आएगा। किसी को लगेगा पशु के साथ संबंध बनाना क्या, इसका मतलब आप निश्चित रूप से हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लामी में व्यवहार बहुत है। कुछ वर्ष पहले एक हरियाणा में मुकदमा चला, परिणाम क्या है मुझे नहीं पता, इसी मेवात में एक किसी का किसान का गधा पकड़ के या बकरी पकड़ के ले गए थे 5-7 लड़के और उन्होंने उसको रेप किया, वो जानवर मर गया। बाकायदा इस पर कोर्स है, मदरसों में पढ़ाया जाता है कि आप किस किस तरह से सेक्स कर सकते हैं, इस पर फतवे हैं ढेरों। अब जिसको ये पढ़ाया जाएगा तो उसकी खोपड़ी तो बनेगी। अगर मैं इसी क्षण में आपसे कहूं कि आपको बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है और काले मुंह के बंदर के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है, तो तय है कि काले मुंह का बंदर ही खोपड़ी में आ जाएगा। ये तो प्रवोक करना है इसी से कहना, मगर उनके यहां ये है। तो इस्लामियों को तो इसकी इस तो हुआ ये है कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 370 है अब कानून की किताबों से हटा दी गई है, यानी धारा 377 के अंतर्गत आने वाले अपराध अब अपराध नहीं रहे। कोई व्यक्ति किसी बालिग पुरुष के साथ या किसी नाबालिग के साथ या जानवर के साथ सेक्स करता है तो वो अपराध नहीं रहेगा। धारा हटने का तो ये मतलब है। अब इस तरह के काम कौन सी धारा के अंतर्गत आएंगे मालूम नहीं, मगर 377 समाप्त कर दी गई। किसी को ये बात खराब अच्छी जो लगे, मगर मेरे देखे ये एक अवसर है। बाबर के बहुत सारे भारत में हिमायती हैं, गजनवी के पक्ष में बोलने वाले हैं, अब हम सबको इनको पेलने का, इन्हें ठोकने का, मैं वही कह रहा हूं जो आप समझ रहे हैं, पेलना ठोकना वही मतलब है मेरा। ये अपराध नहीं रहा है, इन कमबख्तों का कम से कम हशर तो करो, इन इन इनकी दुर्गत होनी चाहिए। भारत में अराष्ट्रीय चिंतन वाले जो लोग हैं इनका बाजा बजना चाहिए निश्चित रूप से। तो 377 हटने से, और वो जो कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि
ये आर्टिकल 370 ही हटा दिया गया है, तो एक जज के लिए हटाया गया है या हमें अवसर दिया गया है? बहरहाल ये एक स्तुत्य शुभ कार्य है, अब इसका लाभ उठाना चाहिए।